कलम की नोक से पलता है, जिसके घर का चूल्हा कलम की वजह से जलता है। मैं मानता हूं इतिहास साक्षी है कि क्रांतियां दो चीजों से जन्म लेती हैं, या तो वह कलम की नोक से खड़ी होती हैं या तलवार की धारों से खड़ी होती हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है, मैं इस मंच को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि कलम की नोक से खड़ी की गई क्रांतियां के कविता में वह भाव लाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली, जिससे कवि के सामने बैठे हुए हैं, स्वयं कवि हैं, उनको भी काव्य का पाठ करना है। और आप जानते हैं मंच पे सबको निवेदित करते हुए अपनी कविता पढ़ता हूँ। कलम पे जब इतनी सारी बात कहता हूँ तो कलम भी मुझसे कुछ कहती है, और वही मेरी कविता है। कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, तिरंगे के रंगों से मुझको रंगा दो, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम।